झुंझुनू के डॉक्टर संजय धनकर का किडनी कांड जनरल सर्जन होते हुए भी डॉक्टर धनकर ने कर दिया ऑपरेशन, जबकि किडनी संबंधित ऑपरेशन के लिए यूरोलिस्ट होना जरूरी। प्रभारी सचिव डॉक्टर सुमित शर्मा ने भी मामले को गंभीर माना, बोले जल्द ही मेडिकल टीम की जांच रिपोर्ट करवाएंगे तैयार, ताकि उसके आधार पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो डॉक्टर के खिलाफ। पीड़ित महिला के उपचार के लिए भी दिए विशेष दिशा निर्देश। झुंझुनू के डॉक्टर संजय धनकर के किडनी कांड में एक के बाद एक लापरवाही सामने आ रही है। अब सामने आया कि किडनी संबंधी ऑपरेशन के लिए यूरोलिस्ट का होना जरूरी है, जबकि डॉक्टर संजय धनकर सामान्य सर्जन होते हुए भी ऑपरेशन किए जा रहे थे। यही कारण रहा कि विशेषज्ञ न होने के कारण आज एक महिला जिंदगी से लड़ रही है। इधर जिले के दौरे पर रहे प्रभारी सचिव डॉक्टर समित शर्मा ने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए CHO डॉक्टर राजकुमारी डांगी को निर्देश दिए हैं कि वे पीड़ित महिला के स्वास्थ्य को लेकर लगातार मॉनिटरिंग करें, साथ ही कोशिश करें कि परिवार का कोई सदस्य महिला को किडनी देने के लिए तैयार हो जाए, ताकि महिला की जान बचाई जा सके। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए डॉक्टर समित शर्मा ने बताया कि प्रारंभिक तौर पर जो भी कार्रवाई की जानी थी वो की गई है, लेकिन अब आगामी कार्रवाई मेडिकल टीम की रिपोर्ट के आधार पर होगी, जिसे आज शाम तक तैयार करवाने की कोशिश की जाएगी, ताकि जल्द से जल्द डॉक्टर संजय धनकर के खिलाफ कार्रवाई हो सके। यदि रिपोर्ट में डॉक्टर धनकर की लापरवाही मिलती है तो उनके खिलाफ कोतवाली में FIR दर्ज करवाई जाएगी। साथ ही RMC को लिखकर डॉक्टर संजय धनकर का प्रैक्टिस करने का रजिस्ट्रेशन भी रद्द करवाया जाएगा। ये बहुत दुखद घटना हुई है कि जो मुस्लिम महिला थी, जिसकी एक किडनी खराब थी और उसकी दूसरी किडनी निकाल दी गई और अभी उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है, तो उसके संबंध में मैंने CMHO साहब को निर्देश दिया है कि इसको अभी तो डायलिसिस पे रखा जाए, और लॉन्ग टर्म में अगर उसके घर वो जा रहे हैं, अगर उनके कोई रिलेटिव को तैयार कर सकें जो कि उसको किडनी अगर दे सकें, तो महिला की इसमें जान बच जाएगी और सामान्य जीवन जी सकेगी, तो इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। साथ में जो हॉस्पिटल था और जो डॉक्टर साहब थे जिन्होंने इसको कार्य को किया है, तो अभी तक की जो जाँच रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें वो बहुत गंभीर प्रत्यय सामने आया है। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत जो उसका लाइसेंस है वो रद्द कर दिया गया है। इसमें एक जांच और चल रही है कि उसमें मेडिकल नेग्लिजेंस हुई है या नहीं है, इस संबंध में जांच चल रही है। उसके लिए SMS हॉस्पिटल, SMS मेडिकल कॉलेज से उसके जो बेड हेड टिकट होता है, उसके जो दस्तावेज और जांच की रिपोर्ट है वो आनी है। उसमें मैं अभी SMS मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल साहब से बात कर रहा हूं, जिससे वो रिपोर्ट भिजवा दें। तो जैसी वो रिपोर्ट आएगी उसके बाद अगर रिपोर्ट में वो दोषी पाए जाते हैं तो पुलिस है उसमें 304B में और जो अन्य धाराएँ हैं उसमें उसके खिलाफ FIR भी दर्ज होगी। साथ में ये भी इसमें बात आई है, जयपुर से ACS मेडिकल हेल्थ ने भी एक डॉक्टर जो है सीनियर इंचार्ज है उनको भिजवाया, तो वो अन्य जो नियम है उसमें भी उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। देखो ये एक गंभीर लापरवाही है और इसमें बहुत से नियमों की अनदेखी भी हुई है। तो जैसे ही जो मेडिकल नेग्लिजेंस संबंधी जो जाँच कमेटी है उसकी रिपोर्ट मैं प्रयास कर रहा हूँ कि मैं झुंझुनू छोड़ने से पहले वो रिपोर्ट आ जाए, तो जैसे ही रिपोर्ट आएगी तो उसमें रिपोर्ट में जिन जिन नियमों के तहत है, जो नियम है, एक तो जो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है, साथ में जो हॉस्पिटल था जिन्होंने अन्य सरकारी योजनाओं से अनुदान लेने के लिए एम्पैनल कर रखा था उसको डीएम्पैनल करना, IPC में मुकदमा दर्ज होकर भी कार्रवाई होना, और इसमें एक कोड ऑफ मेडिकल एथिक्स होता है जिसमें डॉक्टर से एक एथिकल आचरण की अपेक्षा की जाती है, उसका भी उल्लंघन होता है तो डॉक्टर का नाम है वो फिर प्रैक्टिस नहीं कर सकता। वो जो मेडिकल रजिस्टर होता है उसमें से डॉक्टर का नाम मिटा दिया जाता है, उसको हटा दिया जाता है, फिर वो एक तरह से उसका जो प्रैक्टिस करने का लाइसेंस है वो निरस्त हो जाता है। तो वो सारी कार्रवाई, ये जो रिपोर्ट जब आ जाएगी, क्या रिपोर्ट आती है उस पर निर्भर करेगी। पर मैं आपको कहना चाहता हूँ बहुत गंभीर घटना है और कठोर से कठोर कार्रवाई जो भी व्यक्ति दोषी होगा उसके खिलाफ की जाएगी। झुंझुनू के धनकर अस्पताल में किडनी कांड प्रकरण उजागर होने के बाद प्रशासन एक्शन मोड पर रहा। मंगलवार को दिन भर धनकर अस्पताल की जांच की गई। देर शाम को झुंझुनू SDM सुमन सोनल और CMHO डॉक्टर राजकुमार डांगी की मौजूदगी में धनकर अस्पताल को सीज किया गया। वहीं अस्पताल पर नोटिस चस्पा किया गया। इस मौके पर SDM सुमन सोनल ने बताया कि जो किडनी प्रकरण सामने आया है वो बेहद गंभीर है, इसके लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं CMHO डॉक्टर राजकुमार डांगी ने बताया कि प्रकरण सामने आने के बाद जिला कलेक्टर चिन्मय गोपाल ने झुंझुनू SDM व जिला परिषद CEO के साथ उन्हें शामिल करते हुए 3 अधिकारियों की कमेटी गठित की गई थी, जिसे सीजर की कार्रवाई करनी थी। इसी के तहत रिकॉर्ड आदि जब्त कर अस्पताल को सीज कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि जो 5 चिकित्सकों की अलग टीम बनाई गई है वो जल्द ही अपनी जांच रिपोर्ट देगी, जिसके आधार पर FIR दर्ज करवाने का निर्णय लिया जाएगा। यदि डॉक्टर संजय धनकर इस जांच रिपोर्ट में दोषी मिलते हैं तो उनके रजिस्ट्रेशन को रद्द करने के RMC को लिखा जाएगा, ताकि वे राजस्थान में प्रैक्टिस ना कर सकें। और
और उस पर संज्ञान लेते हुए माननीय जिला कलेक्टर महोदया ने हमें एक 5 विशेषज्ञों की कमेटी बनाकर इसकी जांच के निर्देश दिए थे। 5 विशेषज्ञों की कमेटी ने यहाँ पूरे दिन भर आज जाँच की है। इसके अलावा SDM झुंझुनू और COCT झुंझुनू और मेरी एक कमेटी बनाई थी जिला कलेक्टर महोदया ने ये इसके सीजर की कार्रवाई करने के लिए। तो इसके जितने भी क्लिनिकल एक्ट में जो रजिस्ट्रेशन था उसको कैंसिल मतलब डिपैनल कर दिया गया है। आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना में जो इनका इम्पैनलमेंट था उसको भी डिपैनल करने के लिए अभिशंसा स्टेट पर भेज दी गई है। RGHS और ECHS के जो भी अथॉरिटीज़ हैं उनको भी इस हॉस्पिटल को डिपैनल करने के लिए लिखा जा चुका है। ये जांच का विषय है। अब जब जांच पूरी हो जाएगी, क्योंकि कमेटी जो जांच कर रही है वो अपने रिपोर्ट सौंपेगी, उसके बाद में ये तय होगा कि इसमें FIR दर्ज होगी या नहीं होगी उस कमेटी की। दूसरा, अगर इसमें डॉक्टर साहब दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ़ RMC में जो रजिस्ट्रेशन है उसको भी कैंसिल करने की हम कार्रवाई करेंगे, जिससे कि वो राजस्थान में कहीं भी प्रैक्टिस नहीं कर सके। आज जो हमारे प्रशासन के सामने एक धनखड़ हॉस्पिटल है झुंझुनू में, उसकी बहुत बड़ी लापरवाही इलाज के दौरान सामने आई थी, जिसमें कलेक्टर साहब के निर्देशन में CMHO साहब, डिप्टी साहब, मैं स्वयं और हमारी जो पूरी टीम थी पूरे यहाँ मौके पे आए। हम सुबह से यहीं लगे हुए थे, पूरी जांच की गई, जो भी डॉक्यूमेंट इनको CMHO साहब को स्टडी करने के लिए जो भी आगे जांच के लिए आवश्यक है वो यहाँ से जब्त भी किए गए हैं, पूरी अच्छे से जांच की गई है और एक बार इंटरिम रिपोर्ट बन चुकी है। लेकिन आगे जो भी इसकी जांच, इनकी जो रिपोर्ट है आगे और विस्तृत रिपोर्ट जाएगी, उसके आधार पर तय होगा कि आगे इसमें क्या एक्शन लेना है। बाकी अभी एक बार हमने कलेक्टर साहब के ऑर्डर पे जो भी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करनी थी, एक बार हमने इसको पूरे जो भवन है उसको सीज कर दिया गया है। इसके अलावा भी इसमें जो सरकार की तरफ से जो कार्रवाई की गई है, एक तो इनका जो डॉक्टर है इनका लाइसेंस निरस्त किया गया है और जो इस रजिस्ट्रेशन है वो भी कैंसिल कर दिया गया है, और साथ में जो भी हॉस्पिटल है या सरकारी योजनाओं से जो भी जुड़ा होता है सारी योजनाओं को इनका रजिस्ट्रेशन वो भी कैंसिल कर दिया गया। अब आगे इसमें और विस्तृत जांच होगी तभी सामने आएगा कि इसमें और क्या कार्रवाई की जानी अपेक्षित। अभी तो आगामी आदेशों तक ही सीज किया गया, जो भी हमारा आदेश होंगे उसके अकॉर्डिंग हम कार्रवाई करेंगे।